हमारे साथ जुड़ने के लिए तुरंत इंस्टॉल करें GLM इंस्टीट्यूट ऐप। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुरंत इंस्टॉल करें और सारे वीडियो देखें एक सिस्टमैटिक तरीके से। HDMI कैप्चर कार्ड का प्रैक्टिकल कराऊंगा। इसमें होता क्या है कि जैसे आप कोई साइट पे जाते हैं तो वहां पर न तो टीवी अवेलेबल है न ही मॉनिटर अवेलेबल है, तो उस केस में अगर आपको कैमरा चेक करना है कि आपने जो लगाया है वो वर्किंग में है या वर्किंग में नहीं है, या उसका एंगल सेट करना है लेफ्ट राइट अप डाउन, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करें कि एक HDMI कैप्चर कार्ड ले लें। दिस इज द HDMI कैप्चर कार्ड। इससे क्या बेनिफिट होगा कि HDMI केबल डायरेक्ट DVR से आप मोबाइल पे कनेक्ट करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आपका जो मोबाइल फोन है वही डिस्प्ले का काम करेगा। HDMI केबल DVR से जैसे ही आप मोबाइल के साथ में कनेक्ट करोगे वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ये तो सर बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए सर। नहीं बहन, अच्छा सही भी रहेगा हम लोग के लिए भी। और ओके, क्योंकि हर जगह लैपटॉप कैरी कर पाना पॉसिबल नहीं है और डिस्प्ले या मॉनिटर हर जगह पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर आज का ये पूरा प्रैक्टिकल फोकस्ड है। इसके लिए ये वाला डिवाइस आपको लेना है, बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। देखिए ये ज्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, इसकी कॉस्ट मार्केट में अराउंड 500 to 600 के प्राइस रेंज में है और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। आगे आइए, आगे आ जाइए यहाँ पर। ये देखिए, ये DVR से HDMI केबल यहाँ पर मैं डायरेक्ट मोबाइल के साथ नहीं लगा सकता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ ऐसा कन्वर्टर जैसा चाहिए यहाँ पर। तो यही है कन्वर्टर, यानी कि HDMI वीडियो कैप्चर कार्ड। यहाँ पर एक इनपुट साइड है और एक आउटपुट साइड है। ये HDMI केबल आप यहाँ पे फिक्स करें, इनपुट में लग गया, और OTG आप इस तरह का ले लीजिए। मार्केट में ये 20-30 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये USB इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो ये OTG C कनेक्टर है, इसके साथ में मैंने कनेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से सिंपली आप ऐसे कनेक्ट कर लें और यहाँ पर कन्फर्मेशन आएगी। कन्फर्मेशन आने के बाद आप इसको ओके पे क्लिक करें और ये देखिए ये वीडियो आ गया। इसका एक ऐप इंस्टॉल करना होता है USB कैप्चर के नाम से, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा USB कैमरा के नाम से। तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है USB कैमरे का ऐप। तो वो इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये रन होगा और डिटेक्ट होगा। ये चार कैमरा आ गया सर, इस तरीके से चार कैमरा। अच्छा है, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि ये फुल स्क्रीन दिखे। ऑटो रोटेशन, और यहाँ से ऐसे कर लें, ये देखिए फुल स्क्रीन आ गया। अब आप माउस की मूवमेंट करें, माउस की मूवमेंट करें, ये देखिए जैसे आप माउस की मेन्यू खोले इसका, ये देखिए आप जो भी फंक्शन डायरेक्टली डिस्प्ले पर क्लिक, डिस्प्ले के साथ जैसे ही आप केबल को कनेक्ट करते हैं और जैसा व्यू आपको दिखता है डिस्प्ले में, सेम एग्जैक्टली वैसा ही व्यू आपको मिल रहा है। देखिए मेन्यू में जाए, मेन्यू ये देखिए नीचे है मेन्यू, ये देखिए मेन्यू के अंदर गए, जो भी कोई सेटिंग आपको करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही कमाल का ये डिवाइस है। ये देखिए, ये देखिए, और इसका इंस्टॉलेशन भी काफी आसान था। इसका इंस्टॉलेशन जो मैंने आज आपको करके दिखाया, इसमें कोई भी प्रकार की नेटवर्किंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है हमें, बस खाली केबल कनेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ से HDMI केबल हमने कनेक्ट किया और इसको मोबाइल के साथ में कनेक्ट किया, ये आउटपुट आ गया।